सभी का स्वागत है और बात करेंगे पति पड़ोस की युवती को भगा ले गया तो पुलिस पत्नी को थाने उठा ले आई। पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये मामला शहर के निकटवर्ती गिवो भांडौर का है। परिजनों को मंगलवार सुबह घटना का पता चला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या की। पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह 8 बजे सेवर थाने को सूचना मिली कि गाँव भांडौर में 30 वर्षीय अमिता पत्नी श्रीराम जाटव से ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पर पुलिस मौके पर गई तो देखा कि एक कपड़े की रस्सी के फंदे पर अमिता का शव उसके कमरे में लटका हुआ था। कमरे का दरवाजा तोड़कर उसके शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मृतका के पिता वैर क्षेत्र निवासी हुकम सिंह को बुला लिया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया गया कि मृतका अमिता जाटव अपने पीछे 2 बेटे छोड़ गई है। बड़े बेटे की उम्र करीब 8 साल है और छोटे बेटे की उम्र जो है करीब 6 साल है। उक्त मामले में मृतका के पिता ने अनुसंधान अधिकारी गोविंद प्रसाद ASI और अपहरण लड़की के पिता यानी कि मंगल सिंह के खिलाफ बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है और इस मामले में मृतका के पिता ने अनुसंधान अधिकारी गोविंद प्रसाद ASI और अपहरण लड़की के पिता मंगल सिंह के खिलाफ बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। तो महिला ने यहाँ पर आत्महत्या की है। पुलिस पूछताछ के बाद अब यहाँ पर आगे की जांच पड़ताल करेगी। साथ ही जांच के नाम पर घर से जबरन उठा ले गई थी पुलिस और पुलिस थाने में मारपीट का ये आरोप भी लगा है। तो देखिए 2 के खिलाफ यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अमिता को उठाकर ले आई और प्रताड़ित किया जिसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति पर लड़की को अपहरण करने का आरोप है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से पूरा मामला ये सामने आया है अभी क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए चंद्री, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस जो है DIG है रेंज के लक्ष्मणगढ़, उन्होंने इस पूरे मामले का जो प्रकरण है उसको उसकी जांच CO सिटी जो है आवास सिंह घुमरिया आवास सिंह उनको सौंपी गई है। वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस के जो थाना अधिकारी हैं दौलत राम गुर्जर, उन्होंने इस पूरे मामले को फेक बताया था। उसके बाद पूरी हल्ला मचा जिसके बाद ये पुलिस की जांच CO सिटी को सौंपी गई है। रवि, अगर बात की जाए यहाँ पर तो पुलिस जिस तरीके से लगातार परेशान कर रही थी उसके बाद इस महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। जी बिल्कुल, ये बात है प्रथम दृष्टया अगर कहें तो ये बात वाकया सामने आ रहा है कि महिला के को परेशान किया गया था जिसके बाद महिला ने प्रताड़ित होकर ये फांसी का फंदा लगाया था। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है लेकिन पूरी जो मामले की जांच है उसके बाद ये साफ हो पाया है क्योंकि इस मामले को CO सिटी को सौंपा गया है। पूरे मामले में SP जो है अटली जय वो गंभीर है और उन्होंने कहा है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रवि, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि बिना बताए महिला को घर से उठा लिया गया और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था तो पुलिस पर भी यहाँ पर कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए जब हमारी पुलिस उपाधीक्षक जो है ग्रामीण परमाल गुर्जर उनसे बात की तो उन्होंने इस मामले को पूरा बेबुनियाद बताया था। हालांकि उनका कहना है कि महिला को जबरन थाने पर लाने व प्रताड़ित करने का जो आरोप है वे बेबुनियाद है। महिला अपने देवर के साथ थाने आई थी, पूछताछ के बाद वहाँ घर रवाना हो गई जिसकी जो शिकायत थी वो DIG रेंज को भी की गई थी और इस पूरी जो मामला है उस पर पूरी मामले को अभी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आई नहीं है, उसके बाद पूरी जांच की जा सकेगी। अगर जांच की बात की जाए तो जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है इसमें? देखिए जांच की अगर बात की जाए तो अभी परिजन जो है उनके बयान लेना बाकी है। अभी CO सिटी जो है अभी पूरे परिवार जो है उनके बयान ले रहे हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई में साफ हो पाएगा। रवि, क्या आपकी अमिता के परिवार जनों से बात कुछ हो पाई है क्या? यहाँ पर क्या है पूरा मामला कुछ समझ में आया यहाँ पर आपको? देखिए परिवार जनों का भी यही कहना है कि महिला जो है उनकी प्रताड़ित किया गया था, प्रेमिका को जो पति भगा के ले गया था उससे परेशान थी पत्नी और उस बात को लेकर वो थाने भी गई थी लेकिन थाने में उनकी जो सुनवाई नहीं हुई थी जिसको लेकर पत्नी परेशान होने के कारण फांसी का फंदा लगाने को मजबूर हो गई थी। लेकिन अभी आपने जैसा बताया है कि पत्नी कई बार थाने गई लेकिन उसकी बातों को नहीं सुना गया, कार्रवाई नहीं की गई, क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? देखिए पहले ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने पूछताछ के लिए पीड़ित जो महिला है उसको थाने बुलाया गया था। हालांकि थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो पाई थी जिसके बाद महिला परेशान हो गई थी और ये कदम उनको मजबूरन उठाना पड़ा था। तो यहाँ पर तो पुलिस पे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
कि आखिर इस तरीके की जो कमियां नजर आ रही हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। ठीक है सर, बिल्कुल साफ तौर पर कहेंगे पुलिस पर सवाल ही निशान जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जब एक महिला पीड़ित महिला थाने जाती है उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं होती है तो बिल्कुल पुलिस पर सेवर पुलिस जो है उस पर सवाल ही निशान खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आनंद फानन में जो एसपी हैं हैदर अली जरी, उन्होंने इस मामले की जाँच सीओ परमार सिंह जो कर रहे थे उनके अलावा सीओ सिटी जो है उनको सौंपी गई है। इस पूरे मामले की जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इसमें जो दोषी है पुलिस के खिलाफ जो दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी। रवि, अगर बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से पुलिस पर ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, अभी दो दिन पहले की बात है, यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने एक बैठक भी ली थी कानून व्यवस्था को लेकर कि कानून व्यवस्था जो है वो सही होना चाहिए और जो पुलिस जो है लोगों से सही तरीके से व्यवहार करे। रवि, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, यहाँ पर कई तरीके के सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की तरफ से एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था और इस प्रताड़ना की वजह से महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है और अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।